हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट ईयर SOL वाले बच्चों के लिए या फिर कह सकते हैं एनुअल एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए एंड सेकंड सेमेस्टर में आती है रेगुलर वाले बच्चों के लिए, लाइक फॉर सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही है ये, मेन मेन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी। सो बिजनेस लॉ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है यहाँ पे, और मैंने देखा है बच्चे बड़ा घबराते हैं लॉ पढ़ने से, यार याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कैसे याद होंगे। बच्चों एक बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, कि बिजनेस लॉ को पढ़ना बहुत ही आसान है। आप वीडियोस को फॉलो करें और देखोगे कितना इजीली आप इनके साथ फेमिलियर हो जाते हो टर्म्स के साथ, और इतना इजीली आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। सो देखिए बच्चों, मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ जी बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो बच्चों, सबको पता होता है कि सेल का मीनिंग क्या है, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन प्रॉपरली प्रॉपर वे में आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया है। जैसे अगर देखो, आप कभी भी कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल का, लाइक अगर आप कार परचेज कर रहे हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं जानता हूँ उसमें आप बहुत एक दो चीज़ों को छोड़ के आप कुछ रीड आउट ही नहीं करते। सबसे पहली चीज़, सेल होने के लिए बच्चों दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, दो पार्टीज, कौन कौन, एक तो बच्चों बायर और एक सेलर। अगर दो पार्टीज नहीं है तो मैं सेल नहीं बोल सकता फिर उसे, क्यों, सेल होने के लिए एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला तो चाहिए ही चाहिए बच्चों। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है, देखो ये बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब बनेगा जब मेरे पास ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, गुड्स, गुड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक एग्जिस्टिंग गुड्स, लाइक बच्चों फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स। एंड बच्चों एक आप सेल करते हुए एक एग्रीमेंट बनाते हो, क्या बनाते हो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए बच्चों तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है बनने के लिए। सबसे पहला तो आपको चाहिए है प्रॉमिस और विद कंसिडरेशन। अगर प्रॉमिस बिना कंसिडरेशन किया तो कोई फायदा नहीं है बच्चों उसका, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट बनता है, बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो शुरू से ही वॉइडेबल है, क्योंकि वो शुरू से ही इलीगल है, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है। सबसे पहली चीज़ तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो बच्चों, एक एग्रीमेंट हो जिसमें ऑफर हो और उसके साथ एक्सेप्टेंस भी हो, कि ऑफर जो दिया वो एक्सेप्ट किया गया हो। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल हो बच्चों, ऐसा नहीं है हम शुरू से इलीगल काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, क्या हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, गुड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में। अगर मैं किसी के पास कार परचेज करने गया हूँ तो मैं कार पैसे के बदले उसे कार लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, गुड्स। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को बच्चा, गुड्स आएंगे कब नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़। और दूसरा, मॉनेटरी कंसिडरेशन प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो बच्चों, अब तो आप बार बार देख रहे होंगे एक हेडिंग दिख रही है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो सेल का मतलब है यहाँ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल का मतलब क्या हुआ, मैंने पैसा दिया मुझे कार मिल गई, इसका मतलब गुड्स मेरे पास आ गए और गुड्स के साथ साथ उसकी ओनरशिप भी मेरे पास आ गई। लेकिन बच्चों एग्रीमेंट टू सेल में मेरे पास ओनरशिप तो आ जाती है, लेकिन गुड्स मेरे पास तब ट्रांसफर होते हैं जब मेरे पास एक्चुअली में वो आएगा। मान लो कि आपने अपने आईफोन की प्री बुकिंग कराई, अब प्री बुकिंग के टाइम पे आपने उन्हें पैसा दे दिया, लेकिन क्या आईफोन आपको मिला, वो दो महीने के बाद मिलेगा, फिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं बच्चों जो फ्यूचर में परफॉर्म किए जाएंगे। लाइक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में मुझे गुड्स प्लस ओनरशिप दोनों चीज मिलती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में मुझे सिर्फ ओनरशिप मिलती है, गुड्स बाद में मिलेगा, गुड्स अभी नहीं मिलता। टाइप्स ऑफ गुड बच्चों अभी भी डिस्कस किया था, फ्यूचर गुड्स यहाँ पे होते हैं या कंटिंजेंट गुड्स यहाँ पे होते हैं एग्रीमेंट टू सेल में, और यहाँ पे सेल की बात करूँ तो एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि जो अभी के अभी हमें मिल जाएगा बच्चों। रिस्क ज़्यादा आपके पास सेल में है बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, गुड्स आपके पास आ गया, अब अगर उसे कुछ हुआ तो वो आपकी प्रॉब्लम है, सेलर की नहीं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो मेरे पास सिर्फ ओनरशिप है, मीनवाइल जब तक मेरे पास गुड्स आया नहीं और तब गुड्स को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेलर की इंसॉल्वेंसी हो गई सेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों,
मैंने पैसा पे किया, मुझे गुड्स मिल गया, उसके बाद इंसॉल्वेंसी हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैंने पैसा पे किया और उसने गुड्स देने से मना किया तो बच्चों मैं उसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ और उसके ऊपर हेडिंग क्या डालूंगा, ब्रीच, जो नीचे मैंने एक्सपर्ट में आपको समझाने वाला हूँ ब्रीच क्या होती है, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में बच्चों, अगर सेलर उसका, मेरे पास क्या है अभी सिर्फ ओनरशिप है, अगर सेलर वहाँ मेरा वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब दिवालिया घोषित हो गया, बट बच्चों आपको पैसे तो फिर भी नहीं मिलना है उससे, उसके पर्सनल सेट को रिवैल्यू किया जाएगा एंड आप उसको स्यू कर सकते हो कोर्ट में। अगर बायर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब रेडी हो गया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट गुड्स मंगा लिए आपके सामने और अब आप क्या हो गए, इंसॉल्वेंट जी, पैसे नहीं दे सकते, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर दिया है तो बच्चों आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपके पर्सनल सेट्स को रिवैल्यूएशन की जाएगी और उनसे पे किया जाएगा। देन नेक्स्ट बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। ब्रीच इज वॉट, कि हम कुछ बात बोल के और उसको पूरा ना करें। लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बच्चों मैं ए है और बी है, ए ने बोला बी को मैं अपनी कार आपको बेचूंगा 20,000 रुपीज़ में, बी ने बोला ओके जी लो अभी के अभी चेक ले लो, चेक मिलते ही ए गोल, मिलता ही नहीं उसके बाद, दिखता ही नहीं है, बोलता मैं नहीं दे रहा अपनी कार, मेरे को नहीं बेचना। लेकिन बच्चों उस टाइम पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो बी के पास वो सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं कि वो उसे स्यू कर सके और अपने या तो पैसे या प्रोडक्ट वापस ले सके। तो समझ में आया बच्चों, थोड़ा आइडिया हुआ आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ये बच्चों एक मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, मैं आपको फुल सेशन में इसी के अंदर हायर परचेज भी है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है, कंडीशंस है, वारंटीज है, केवे टेम्प्टर है, ओनरशिप है, परफॉर्मेंस ऑफ सेल है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन एंड उसके बाद डाउट सेशंस वगैरह सारी चीज़ होती हैं। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों पढ़ सकते हैं, लाइक FB ग्रुप पे पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं, हम YouTube पे बच्चों लाइव क्लासेस भी लेते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, हम फ्री मटेरियल शेयर करते हैं आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों, वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज पे आप जाइए करियर प्लस के नाम से सर्च करिए हमारे पेज में, हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं आपके लिए रेलिवेंट है वो चीज़ें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार एक्सेस करते रहें, सब्सक्राइब करें इसको, आपके लिए हम नई नई वीडियोज़ देते रहेंगे। और फर्दर अगर आप इनके फुल सेशन चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत नॉमिनल सी फीस पे करनी है, जिससे आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, आप कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।